हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रक्षंदा सावंत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोदक बनाने की रेसिपी। गणेश चतुर्थी आ रही है और हर कोई गणपति बप्पा के लिए मोदक का प्रसाद बनाना चाहता है, तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि चॉकलेटी और टेस्टी मोदक घर पे आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो आप ये पूरी रेसिपी देखें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपी देखने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक पैन गरम करके उसके ऊपर डाल दें 3/4 कप गेहूं का आटा। हमें आटे को 5 से 10 मिनट के लिए भून लेना है। आप लो से मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए आटे को भून लें। हमें आटे को तब तक भूनना है जब तक इसका रंग हल्का सुनहरा नहीं हो जाता और जब तक इसमें से भुने हुए आटे की खुशबू नहीं आने लगती। 7-8 मिनट आटे को भूनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर। आटे और कोको पाउडर को हमें साथ में और 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच चीनी या फिर शक्कर। आप अपने हिसाब से शक्कर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच घी। घी को आटे और कोको पाउडर के मिक्सचर में मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए चलाएं। घी ऐड करते ही आप देख सकेंगे कि इसका जो चॉकलेटी रंग है एकदम उभर के आता है। यहाँ पे मैं इसमें 1 और चम्मच घी ऐड करूंगी। हमें इस मिक्सचर को कंटिन्यूअसली चलाते हुए धीमी आंच पे भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कटोरी दूध। दूध डालकर इसे मिला लेंगे। आप दूध की जगह मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर हल्का हल्का बंधने शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। ये मिक्सचर अब करीबन रेडी हो गया है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। ये देखिए, जब यह मिक्सचर इस तरह से पैन की साइज छोड़ना शुरू कर दे, आप गैस बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लें। मिक्सचर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आपको इसे हल्का सा ठंडा कर लेना है ताकि आप इसे टच करके इसके मोदक बना सकें। तो अब आपको अपने हाथ ऑयल से या फिर घी से ग्रीस कर लेने हैं। हमें इस मिक्सचर को गूंद लेना है, बिल्कुल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही आप इसे गूंद लें। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना सॉफ्ट है। आज के ये जो मोदक है मैं इन्हें मोल्ड में बनाऊंगी। आपको इस तरीके का मोदक बनाने का मोल्ड बाजार में मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो हमें इस मोल्ड को घी से या फिर ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे नीचे जो होल है यहाँ पे हम इसमें ये मोदक का मिक्सचर डाल देंगे। अगर आपको पूरे हाथ से बने हुए मोदक बनाने हैं तो आप मेरे ट्रेडिशनल स्टाइल मोदक बनाने का वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, जब आप पूरा मिक्सचर अंडर डालते हैं और इसे खोलते हैं तो आपको एकदम परफेक्टली शेप मोदक मिल जाएगा। हमें सारे मिक्सचर के इसी तरह से मोदक बना लेने हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मोदक बना है, आप इसे देख सकते हैं। आप ये सारे मोदक इसी तरह से बना लें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सारे मोदक बना लिए हैं। और ये देखिए, एकदम परफेक्टली शेप्ड, एकदम खूबसूरत दिखने वाले मोदक मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, एकदम चॉकलेटी, टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले मोदक रेडी है। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें से मैंने यह 12 से 13 मोदक बना लिए हैं। तो अगर आप 21 मोदक का भोग लगाना चाहते हैं तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं आप उससे डबल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट सिरप या फिर चॉकलेट सॉस डाल दें, इससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको ये रेसिपी ट्राई करके ये चॉकलेट मोदक घर पे ज़रूर बनाने चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।